जस्ट सेकंड, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। अब मेरी स्क्रीन विजिबल है? ठीक यस सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। सर मैं जी स्टार्ट जी मैम, करूं? एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें इस वाली में सर, इस वाली फाइल में जो होगा ना वो एब्स्ट्रैक्शन अभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, उसका कुछ ज्यादा प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा था। लेकिन अगर आप वो वाला ही फाइल कर देंगे तो मैं डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्शन पे भी वन बाय वन कर दूंगी। ओके मैम, ओके ओके मैम, मैं करता हूँ। सर अच्छा, मैं ये वाला कोड जो अभी किया है वहां भी कॉपी कर दूँ? इसमें भी थोड़ा सा कुछ आ रहा है, लेकिन या उसी को डिस्कस कर लें कि उसमें जो हुआ वो, क्योंकि ये ओके मैं बार मैम, बार ना रीराइटिंग कर करके वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ओके मैम। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। जो हम लोगों के पास प्रॉब्लम थी उसमें हम लोगों ने जितने भी अभी तक ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए उन सबको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना था। इसमें जो मेन हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हम लोगों के पास फोर मेन पिलर्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। जो सबसे पहले हम लोगों ने इनहेरिटेंस का डिस्कस किया था कि एक हम लोगों के पास बेस क्लास होती है, वहां से हम लोग बेस क्लास से जो बाकी क्लासेस ड्राइव करते हैं, और बेस क्लास को हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, जो ड्राइव क्लास होती है उनको हम जैसे चाइल्ड क्लासेस या इस तरह बोलते हैं। और जो चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास होती है उसके पास मोस्टली वो अपने पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज कह दो या एट्रीब्यूट्स होती हैं या मेथड्स होते हैं वो उनको इनहेरिट करते हैं। जो हम लोगों के पास सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अगर हम लोग इसको पॉलीमॉर्फिज्म का करते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह से हम लोगों के पास आता है कि सम टाइम हम लोग सेम मेथड यूज कर रहे होते हैं जो पेरेंट क्लास में भी होती है और जो चाइल्ड क्लास में भी होती है, लेकिन जो चाइल्ड होता है वो अपनी फर्दर कुछ और न्यू एट्रीब्यूट्स या मेथड एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहा होता है। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है कि आपका मेथड का नेम समटाइम्स सेम होता है लेकिन हम लोग वो ओवरराइड कर देते हैं। और इसमें जब हम लोग बात करते हैं इसकी इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, अब जो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन में जैसे हम लोग होता है कि हम लोगों ने कोई भी डिस्प्ले, हमारे पास अक्सर स्क्रीन्स होती हैं और हम लोगों को बैकएंड पे नहीं पता होता कि बैकएंड पे असल में क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई है, या लाइक जैसे हम लोगों के पास डिजाइनर्स होते हैं कि फ्रंट एंड के डिफरेंट डिजाइनर्स होते हैं, बैकएंड के डिफरेंट होते हैं। यानी आपके सामने वेबसाइट है लेकिन वेबसाइट के पीछे आपको नहीं पता कि क्या कोडिंग हुई है या कौन से मेथड्स परफॉर्म हुए, और सामने आपको डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, आपकी जो आपने अगर कोई फॉर्म या रजिस्ट्रेशन वगैरह देनी है तो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों के पास एब्स्ट्रैक्शन का आता है कॉन्सेप्ट, वो ये आता है कि आपके पास फ्रंट पे बस मेन मेन डिटेल्स होती हैं लेकिन जो जो डेप्थ होती है वो आपको नहीं पता होता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे जब एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं, हम एक इंपोर्ट करवाते हैं एबीसी जो कीवर्ड यूज करेंगे, और उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो जस्ट आपको बेस या बहुत सिंपल इंफॉर्मेशन वो शो करेगी, और जो बैकएंड पे क्लासेस होंगी जो उस क्लास से आगे जो उसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो लेंगी, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगी। लेकिन जो मेन क्लास होगी एब्स्ट्रैक्ट की, जो डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट से हम लोग ड्राइव करेंगे यूज करके कीवर्ड, उस वो सिंपल हमारे पास सिंपल डिटेल देगी। अच्छा, जो ये भी एक तरह से डेटा हाइडिंग ही है, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्शन है ना इसमें हम लोग बहुत बेसिक लेवल पे करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो वो आगे फर्दर हम लोगों की एक तरह से सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी आती है, और हम लोग बहुत सी चीजें हम चाहते हैं कि बहुत से जो माई मेथड्स हैं या डाटा है उसको डायरेक्ट पब्लिकली ना एक्सेस किया जा सके। हम लोगों के पास नॉर्मली ये तीन जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये इसकी थोड़ा सा क्लासेस में हम लोग जब कर रहे होते हैं तो स्पेशली जो इनकैप्सुलेशन में हम लोग
ज्यादा जो डील कर रहे होते हैं वो हम प्राइवेट एट्रीब्यूट्स के साथ या मेथड्स के साथ डील कर रहे होते हैं। उसके ये होता है कि कोई भी आपके डाटा को डायरेक्ट कोई भी वैल्यू एंटर करके एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये हम लोगों ने ये चार कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। अब हम लोगों की जो केस है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसमें जो हमने बनाना है, उसमें हमने एक बेस क्लास बनानी है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, डिजाइन करना है। उसे सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो बेस क्लास बनाएंगे। बेस क्लास में हम लोगों ने टाइटल का एक एट्रीब्यूट देना है जो कि स्पेसिफाई किया हुआ कि स्ट्रिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग चेक्स अप्लाई करते हैं ना, कि डेटा एंट्री जब लेते हैं यूजर से, उस वक्त ये चीज बहुत मैटर करती है कि आपकी जो डेटा टाइप मेंशन है ये रिक्वायर्ड है वही होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो टाइटल होगा, टाइटल के बाद ऑथर होगा बुक का, और उसके बाद हम लोगों ने एक पब्लिकेशन ईयर, सर ये ओल्ड वाली है, सर इससे नीचे वाला है केस। मैम यही एक्सक्यूज क्वेश्चन मी, आई थिंक। अच्छा नहीं इससे ओके ओके। नीचे। अच्छा निचला एक जी और क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप कह रहे हैं। सर, ओके इसमें अब हम लोगों ने जो हम लोगों की मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि जो हम लोगों ने चारों कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब जब बुक की हम लोगों ने मेन क्लास बुक की बनानी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है लेकिन उसमें मेन क्लास बुक की बनानी है। बुक में हम लोगों ने टाइटल, टाइटल स्ट्रिंग हो, ऑथर, ऑथर का नेम भी स्ट्रिंग में आना चाहिए, और उसके बाद हम लोगों ने बताना है कि इस बुक की कितनी अवेलेबल कॉपीज जो है वो हमारे पास इधर लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। अब इसके सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर जो हम लोगों के पास रिक्वायरमेंट मेंशन है उसमें ये किया हुआ है कि आप लोगों ने द एक्सरसाइज विल कवर क्लासेस इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन जब मेंशन किया हुआ है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अगर हम लोग इसको करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन में ये था कि हम लोग एक कीवर्ड, हमें एक सेंटेंस यूज करना होता है कि हमें जो अपनी क्लास है वो इम्पोर्ट करवानी होती है, एक ए बी सी ये कीवर्ड है उधर से, तो ताकि हमारी क्लास जो है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे डिटेल्स शो करेगी। अगर हम बेस क्लास जो है हमारी बुक की क्लास, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह देते हैं, तो उसको आगे हम लोगों के पास जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी क्या क्या होनी चाहिए वो तो डिस्कस कर लिया। मेथड्स जो हैं उसके पास बोरो बुक की मेथड होना चाहिए, रिटर्न बुक का होना चाहिए, ये दो मेथड्स होंगे। और जब वो बोरो बुक करेगा तो ऑटोमेटिकली, यानी कि आपने इस तरह स्टेटमेंट देनी है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हम लोग जस्ट इसको पास करवा देंगे, लेकिन जब हम लोग फर्दर जाएंगे डेप्थ में, जब चाइल्ड क्लासेस ये बोरो बुक्स और रिटर्न बुक को इम्प्लीमेंट करेंगी, तो हम लोग उसमें हम ये फर्दर फंक्शनैलिटी बताएंगे कि अगर कोई बुक बोरो करेगा तो वो -1 हम डिक्रीज कर देंगे बुक की नंबर ऑफ बुक्स, और जब वो रिटर्न बैक करेगा तो हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। सर फिर पहले ये वाला कोड देख लें बेस क्लास का, फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करते हैं, साथ साथ जाते हैं। ओके मैम। सो तो कोड मैम जो आपने शेयर किया उसे यहाँ कर सर आप दूसरा दूँ। ही बता करते, मैं कर लूंगी वो अगर है दूसरा, क्योंकि ओके मेरे मैं इसे, वाला ओके कंफ्यूजन मैं इसे यहाँ पे ना कॉपी हो कर लूँ। जी, सर करते हैं। चल तो मैं यहाँ कॉपी कर लूँ। जी मैम। सर इस वाले, ये वाला जो है इसमें भी वो ये है कि मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था इसको। एब्स्ट्रैक्शन का, एब्स्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा मुझे लग रहा था कि एब्स्ट्रैक्शन को या तो डील सेपरेटली करना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमने थोड़ा इनहेरिटेंस का सर करती वाला। जी मैम एक सेकंड, ये बस अभी कनेक्ट हो ले जरा। तो अभी हमें हमारे पास। ओके चलो मैम इसे डिस्कस करते हैं यहाँ से, फिर हम साथ साथ देख लेते हैं अगर कोई चेंजेस करने हैं। सही है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो बेस क्लास है इसको भी हम एब्स्ट्रैक्शन को साइड पे रखते हैं, तो हम लोग बाकी फर्दर जो फंक्शनैलिटीज है उनको देखेंगे। तो हमने जो बेस क्लास है वो एक बुक की बनाई है, और बुक में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास टाइटल हो, ऑथर हो, अवेलेबल कॉपीज हो। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि आपने इनको प्राइवेट करना है या नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने इनको प्राइवेट अगर आप करते हैं तो आप डबल अंडरस्कोर करेंगे,
जैसे अब इनिशियलाइज करवाया इधर बुक के तीनों जो हैं एट्रीब्यूट्स उनको इनिशियलाइज करवाया, इंस्टेंस कह दें आप इनको इनिशियलाइज करवाया, तो डबल अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, यानी इस तरह आपने ये फॉर्मेट चूज करना है। अगर ये है प्राइवेट, अगर यही प्रोटेक्टेड होंगे तो आपने सिंगल अंडरस्कोर यूज करना है। अगर और प्रोटेक्टेड का ये होता है कि हम लोग नॉर्मली कभी बाकी कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं कर रहे होते, इनर आउटर क्लास का या बाकी अदर फर्दर हम लोग जब यूज कर रहे होते हैं तो प्रोटेक्टेड जो इंस्टेंस होते हैं वो हमारे इजीली एक्सेस हो सकते हैं बाकी जो चाइल्ड क्लासेस के थ्रू, लेकिन उसके ये कि थोड़ी बहुत आपकी प्राइवेसी होती है, टोटली नहीं होती। ठीक है, ये इस वक्त ये हमारे पास प्राइवेटली डिस्कस हुए हैं, इसलिए ये डबल अंडरस्कोर टाइटल इज इक्वल टू टाइटल है। इसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया जो हमें रिक्वायर्ड था कि बोरो बुक का बनाना है, और उसमें सिंपल अगर आपने जब भी बोरो बुक का होगा तो जर्नली, यानी ये इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, ज्यादा डिटेल नहीं है लेकिन ये है कि जब भी बोरो बुक की तो फर्स्ट जो हम लोगों के माइंड में आता है कि वो अवेलेबल भी है उसकी कॉपीज के नहीं है, तो वहीं पे वो चेक साथ ही करती है इसके मेथड का कि अगर अवेलेबल होगा तो मतलब वो बता देगा कि अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल होगा तो वहीं पर बता देगा, अदरवाइज वो आपको दे देगा और माइनस कर देगा जो मेन हमारे पास स्टॉक होगा बुक्स का उससे ये एक माइनस कर देगा। और इसके बाद रिटर्न बुक का सर यहाँ इस वाले में मैंने सारा ही वो कर दिया इंप्लीमेंट, मतलब वो बहुत से कॉन्सेप्ट को रिमूव करके कि आइदर जो हम आउटपुट है वो आ रही है कि नहीं। और इसमें जो रिटर्न बुक का था उसमें सिंपल वो आगे डिटेल में बता देंगे कि क्या रिटर्न बुक का, इससे डिस्प्ले का एक मेथड है कि वो डिस्प्ले करवा देगा आपको। और सर वो ये वाली फाइल नहीं, वो दूसरी नहीं जो फर्स्ट वाली है उसमें सारे ही कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ओके मैम, जो आपने शेयर की है, प्लीज। जी सर, अच्छा ये मैम प्रॉब्लम था जो आपने शेयर की है, आई थिंक सर ये अभी एक थोड़ा पहले भी जो एक फाइल है वो चेक करें। इससे पहले वाली फाइल है मैम। जी सर, ओके लेट मी चेक। आई थिंक उसमें एब्स्ट्रक्शन भी है, ये थी। ओके जस्ट अ सेकंड, मैं चेक। चेक कीजिएगा मैम ये वाली। जी सर, ये वाली ये लाइक मैम आप बता दें मैम कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं वहां से। सर स्टार्ट से देख लेते हैं ताकि मैं, क्योंकि पहले मैंने थोड़े थोड़े जो रिक्वायरमेंट्स थी ना उसके हिसाब से अप्लाई किया, फिर कोडिंग भी में कर दी थी सर, कर दी थी। ओके ये जैसे ये वाली अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये पूरा हमें सेंटेक्स लिखना पड़ेगा जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, और बुक को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो इसमें बुक मेन क्लास है लेकिन उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, और उसी बुक से हम लोग फर्दर जो रिक्वायरमेंट होगी कि ड्राइव करनी है क्लासेस वो करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने एबीसी इसको मेंशन कर दिया था ताकि ये हमारे पास एक मेन क्लास है, और ये इस तरह हम लोगों ने ए बी सी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड से ये इनिशियलाइज वो ड्राइव हुई है जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, और यहाँ पे इनिशियलाइज नॉर्मल कर दिए सर। अब नीचे जो बोरो बुक का आएगा उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जब भी हम मेन क्लास डिफाइन करेंगे तो हम उसमें नहीं जाएंगे, जो फर्दर क्लासेस होंगी जो इस मेथड को लेंगी वो डिटेल बताएंगी कि हाँ अब यहाँ पे हमने कौन सी डिटेल मेंशन करनी है। और सर रिटर्न बुक का भी ऐसे ही है कि ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू ही होगा, और ये डिटेल्स जो होंगी ये उधर हम लोगों को जो ड्राइव क्लासेस होंगी वो बताएंगी। और सर इसमें ये जो कमेंट किया हुआ है ना एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये जो डेकोरेटर यहाँ पे ऊपर, हाँ ये इसका कमेंट हटा दें, इसका भी और दूसरे का भी और ऊपर वाले का भी, ये तो ये हम लोगों को ये जब भी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड्स को बताना है तो हम लोगों ने साथ ये वाला डेकोरेटर यूज करना है एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, और ये दो जो मेथड्स हैं ये हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम लोग यूज करेंगे। मामा शॉप।
ओके 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 अच्छा, इसमें अब हम लोगों ने जो डिस्प्ले का है वो हम लोगों ने जस्ट ऐसे ही किया था कि जो मेन हम लोगों की पेरेंट क्लास की होंगी एट्रीब्यूट्स वो डिस्प्ले मेथड करेगा, तो बाद में हम सुपर के थ्रू उनको ड्राइव कर देंगे। और सर नीचे फर्दर अब हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट दी हुई है उसमें है कि सर यहाँ तक तो मेन दे दिया था ना, रीड कर दी थी, अब ये थी कि दो बुक्स हैं, हम लोगों ने ई बुक और फिजिकल बुक ड्राइव करनी है, जो कि मेन क्लास बुक से हम लोगों को ड्राइव करनी होगी। तो उसको जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोगों ने जैसे मेन बुक को किया है तो हमने वो पैरेंथेसिस में बुक कर दे दिया, और उसके बाद हम लोगों ने पेरेंट क्लास के इंस्टेंस को इनिशियलाइज ले लिया सुपर मेथड के थ्रू, और उसके बाद जो इस ई बुक की अपना जो था एट्रीब्यूट वो हम लोगों ने फाइल साइज, जो एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने फाइल का साइज बताना था वो हम लोगों ने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। और इसमें अब यहाँ पे हम लोगों ने फर्दर बताना है कि अगर हमने बुक को बोरो किया करना है तो हम लोगों ने जब ई बुक को करना है तो क्या होगा, और हम लोगों ने जब मतलब ई बुक के केस में हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों का जो नंबर ऑफ काउंट है वो डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी ई बुक बोरो करेगा तो आप लोगों ने उसका जो टोटल बुक्स में से जितना भी है काउंट उसको डिक्रीज नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा। अच्छा, अब इसमें फंक्शन में हम लोगों ने पहले तो बोरो बुक की वही वाली इनहेरिट कर ली है सुपर, और वो लगा के देखिए यहाँ पे इतनी नीड नहीं है, ऐसा नीड नहीं है क्योंकि ये वाली क्लास अपना जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो खुद ही इंप्लीमेंट करेगी, जैसे इफ बुक टाइटल इज इक्वल टू, अगर हमने कह दिया कि बुक अवेलेबल है या नहीं है बस ये रिटर्न कर देगा बोरो बुक की। और इसी तरह डिस्प्ले का वैसे ही है कि हमने सुपर से ले लेना। सर एक तो ये था जो मुझे मतलब ये था, और ओके सर इसमें जो डिस्प्ले में हम लोगों ने फाइल साइज का एक एक्स्ट्रा हम लोगों की एट्रीब्यूट थी वो बस प्रिंट हो जाएगा, और बाकी मैंने ट्राई की थी कि सुपर से ही सारा डिस्प्ले के आ जाए, वो कुछ एरर से या उस तरह आ रहे थे। और हाँ ये बस ये डिस्प्ले का सुपर से ले ले और वो अपने पेरेंट्स से ले लो, बाकी एक्स्ट्रा इसकी फंक्शनैलिटी फाइल साइज ही है। और इसके बाद बुक टाइप का एक छोटी सी एक इंफॉर्मेशन थी कि अगर आपने ये बताना है कि आपकी ये जो बुक है ये ई बुक है या फिजिकल बुक है वो ये रिटर्न कर दे, तो जो मुझे समझ आई थी वो ये थी कि हम अगर फिजिकल बुक का जैसे इंस्टेंस वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो हम इसको कॉल करेंगे तो वो फिजिकल बुक का बता देगा कि दिस बुक इज लिंक्ड विद फिजिकल और लाइब्रेरी, और जो अगर हम लोग इसका ऑनलाइन का करेंगे ई बुक का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये हमें रिटर्न कर देगा कि ये ई बुक से की लाइब्रेरी से ली है। और सर ये दूसरी बुक दो टाइप्स हम लोगों ने चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट करनी थी, एक फिजिकल बुक की है और इसमें हम लोगों ने ये बता दिया है कि ऐसा ये फिजिकल बुक में, इसमें हम लोगों ने बाकी एट्रीब्यूट्स में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ये था वो प्राइवेट होना था, वो ये था कि अवेलेबल कॉपीज आपके पास कितनी है, यानी फिजिकल जो लाइब्रेरी में है वो अभी कितनी कॉपीज हैं, और शेल्फ डॉट लोकेशन जो है ये हम लोगों को प्राइवेट नहीं करना था तो इसलिए मैंने इस इंस्टेंस को इस तरह इनिशियलाइज करवाया कि ये नॉर्मल होगा और जो प्राइवेट होगा उसको डबल अंडरस्कोर के थ्रू किए, और बाकी हमने वो पेरेंट क्लास से जो भी एट्रीब्यूट्स है वो कॉल कर लिए। अच्छा, अब इसमें भी जो ये वाली क्लास है ये भी बोरो बुक को और दूसरी ई बुक को सॉरी बोरो बुक को और रिटर्न बुक को करेगी, क्योंकि ऑनलाइन के केस में ये मेंशन नहीं था कि ई बुक के केस में कि आपने रिटर्न करनी है या नहीं, लेकिन इस केस में ये मेंशन था कि आपने रिटर्न करेंगे तो आपकी जो टोटल लाइब्रेरी में वो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा कि हाँ जी अब वापिस आ गई। तो अब ये जो कंडीशन मैंने लगाई थी वो ये थी कि अगर जीरो होंगी तो वो प्रिंट कर देगा कि अवेलेबल नहीं है, और अगर वो लेस देन जीरो हुई तो वो ये कह देगा कि वैल्यू एरर दे देगा कि ये, अच्छा ये कुछ जो है ना रेज वैल्यू एरर रेज टाइप एरर ये बिल्ट इन है पैथन में, और ये हमें पहले ये मतलब ये दे देते हैं, यानी अगर हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट वाला प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट करते तो फिर भी ये हमें इफ एस कंडीशंस के थ्रू हम लोग इनको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो ये हमें दूसरे में भी बता देगा कि अगर हम लोगों ने इंटीजर जो दूसरे है ना, इफ नॉट इस इंस्टेंस अवेलेबल, ये हमें बता देगा अगर आपने इंटीजर वैल्यू नहीं दी, नंबर ऑफ काउंट्स नहीं बताए सही से, जैसे ABC लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो वो एरर थ्रो कर देगा. और एल्स की कंडीशन में वो आपकी जो भी आपने बोरो की है बुक, तो एग्जिस्टिंग जितनी भी अवेलेबल होंगी उसमें से वो माइनस कर देगा, कि इतने काउंट जो जितने भी आपने बताए होंगे वो उतनी बुक्स को माइनस कर देगा. सर ये बोरो का किया. और सर नीचे एक रिटर्न बुक के केस में हम लोगों के पास था कि हम लोगों ने एक जो, क्योंकि ये इस क्लास का अपना है तो ये इसीलिए हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं. जो फिजिकल बुक का ये जो हम लोगों ने इंस्टेंस बनाया है कि अवेलेबल कॉपीज कितनी होंगी, तो ये हम लोग इसमें इजीली मतलब चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. अच्छा, इसमें हमें इसने जब हमें वो वापस कर देगा, जो भी कस्टमर यूजर स्टूडेंट कोई भी होगा वो हमें बुक वापस करेगा, हमें इसमें इसको कॉल करेंगे रिटर्न बुक के मेथड को, और वो हमें इंक्रीमेंट कर देगा नंबर ऑफ बुक्स में. और सर बुक टाइप का वही बनाया था एक, जस्ट चेक करने के लिए कि अगर इसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो फिजिकल बुक रिटर्न करें. अच्छा, और इसमें सर आगे नॉर्मल वो मेथड्स वगैरह हो गए. सर इसमें ना एक और रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपने जो इनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट करनी है, तो इनकैप्सुलेशन में ये था कि हमारा ये प्राइवेट एट्रीब्यूट था, अवेलेबल नंबर ऑफ बुक्स जो हमने बतानी थी, तो नंबर ऑफ कॉपीज जो बतानी थी, तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी डेकोरेटर के थ्रू बताना था. तो वो मैंने यहाँ पे वो किया है कि अगर जब भी, क्योंकि उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेंगे, तो हम यहाँ पे वो इसको कॉल करेंगे, तो ये हमें वो रिटर्न कर देगा कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स कॉपीज अवेलेबल अभी हैं. और ये एज अ गेटर यूज होगा, प्रॉपर्टी जब हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करेंगे तो ये एज अ गेटर यूज होगा कि हमें ये वैल्यू जो भी एग्जिस्टिंग होगी हम उसको गेट कर रहे हैं तो वो हमें रिटर्न कर देगा. तो इसलिए हमने इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया इस मेथड में. जो इसी तरह अगर हम लोग सेटर, क्योंकि जब भी हम लोग इनकैप्सुलेशन यूज करेंगे तो ये एक प्रोफेशनल वे होगा कि हमें गेट और सेट का मेथड यूज करना पड़ेगा किसी भी एट्रीब्यूट को मैनेज करने के लिए, लाइक उसको कॉल करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए. तो अब जो हम लोगों के पास दूसरा डेकोरेटर है, ये सेम ऐसा होगा कि जो हम लोगों ने ये ऊपर मेथड का नेम दिया है फिजिकल अंडरस्कोर अवेलेबल डॉट अंडरस्कोर बुक्स, तो जो हमारे पास सेटर मेथड होगा, सेटर डेकोरेटर होगा, वो ऐसे यूज करेंगे कि एट द रेट सेम नेम जो हमारे पास गेटर का होगा और डॉट सेटर लगा देंगे. तो ये भी एक सेंटेक्स यानी फॉलो करना पड़ेगा जब हम लोग, अगर बजाय हम गेट और सेट यूज करने के हम ये यूज करेंगे तो. और इसके बाद हम लोग फिर इसमें जो भी अपडेट होगी, वैल्यूज होंगी, वो सारी इसमें पास कर देंगे. और सर इसके बाद हम लोग फिर आगे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट्स बना के फिर हम लोग वो डिफरेंट मतलब वैल्यूज पास करके इसको वो करेंगे. सर चलो मैं ये इसे रन करके ट्राई करता हूँ। एक सेकंड कनेक्ट हो ले। ओके, तो ये हमारे पास एरर दे रहा है कि फिजिकल अवेलेबल बुक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये चेक कर लेते हैं हम। राइट, सेटर भी राइट। अच्छा, हमारे इसमें यहाँ पे ना अभी दो एरर आ रहे हैं हमारे पास। लाइक एक वो कह रहा है, जी मैम आपने
सर मैं वही देख रही थी, आपको ये भी बताना था कि एक तो ये मैंने वो डेकोरेटर यूज किए ना, इनके बगैर भी किए तब भी एरर आ रहा था, तो समझ नहीं आ रही थी कि, क्योंकि एक तो वो एक्स्ट्रा क्लास का भी हो गया, यानी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए हैं, तो भी नहीं समझ आई कि कौन से कहाँ पे हैं। कोई बात नहीं मैम, हो जाता है कि लाइन ऑफ कोड कहीं रिपीट हो गया हो या फिर वर्ड मिसिंग हो गया हो, इसलिए भी रहता है। लाइक मैंने जब देखा था ना तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो मैंने वो करेक्ट की थी। आई थिंक वो नीचे मैंने जी कॉपी सर, स्पेलिंग किया की था, भी आ रही थी सर जी। उसकी वजह से कि एक में स्पेलिंग और थे और नीचे और थे, इसलिए भी हमारे पास तब एरर आ रहा था। अच्छा एक सेकेंड, अभी चेक कर लेते हैं। हमारे पास सर वो फिजिकल में एस नहीं था, अगर नीचे है नहीं सर वो तो इशू नहीं, मतलब हमने ये देखना था कि यहाँ पे और ये स्पेलिंग और ये स्पेलिंग सेम है, तो आई थिंक ये सेम ही है। यहाँ पे वैसे भी इशू और आ रहा है, सर, लाइक ये हमारे पास स्पेलिंग सेम नहीं है, अच्छा नहीं। अवेलेबल में एक ए ओके एक्स्ट्रा ऐड हुआ। ओके ओके ओके, ये वाला ए मेरे ख्याल ए वी ए आई एल। ओके ठीक है, सही कह रहे हैं आप सर। इसको हम इस तरह करते हैं, यहाँ से कॉपी कर देते हैं, यही मेरा ख्याल है स्पेलिंग यहाँ से इशू। नहीं अभी भी हमारे पास एरर दे रहा है। सर, वैसे जो इसके ऊपर वाला फंक्शन है उसके स्पेलिंग और इसके स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो उससे मसला बनता है कि उससे मसला नहीं? ये सही कह रहे हैं कि मसला होगा, क्या स्पेलिंग यहाँ पे गाड़ी सही लेते हैं ये। यहाँ पे एक वर्ड भी हमारे पास मिस्टेक हुआ, आप इसे रन करके देखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास अब सुपर में इशू है, इसको एक मिनट रन करते हैं ये देखते हैं। ओके अब हमारे पास सुपर मेथड में यहाँ पे इशू है, सुपर हैज नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। ओके लाइक नहीं, आई थिंक सुपर मेथड हम सर मैं चेक करें उसमें डिस्प्ले के सही यही वाले मेथड से ही वो किया हुआ है, फर्स्ट जो बेस क्लास में फाइंड डिस्प्ले, ये जी। हमारी बेस क्लास है। ओके तो जो हमारे पास एक्चुअली मेरा ख्याल है ये भी इशू है कि हमारे पास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से हम इनहेरिट कर रहे हैं इसे, तो सर अभी ये भी है, और मैंने ना एक अभी जो रिसेंटली किया है वो एब्स्ट्रैक्ट के बगैर किया है, वो उसमें बस थोड़ा सही है कोई वो ना जब सेटर और गेटर वाली टाइप पे, उसके बल्कि इवन स्पेलिंग से सब कुछ ही चेंज किया, वो वाला जब खोले अगर उधर से हम लोगों को आइडेंटिफाई हो जाएगा तब भी होगा कि एटलीस्ट एब्स्ट्रैक्ट आउट होगा, बाकी चीजें वैसी ही हैं, बस थोड़ा सा इजी इजी स्पेलिंग्स करके कि कुछ मिस्टेक ऐसी ना हो। सर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है ये, आई थिंक मैम गेट बुक और सेट बुक वाला। जो बिल्कुल ऊपर टाइटल में वो लिखा होगा इनकैप्सुलेशन,
सब बिल्कुल स्टार्ट नहीं, वो सबसे पहले आपने पेस्ट किया था ना, उसमें वो यही था कि ये वाला सही वाला। सर इसका चेक करें, इसका एरर क्या आ रहा था। इसका मेरे पास वो आ रहा था, ये इसका जो सेटर और गेटर वाले में ना, जब मैंने मेथड कॉल किया तो वो अंदर से उसकी मतलब उधर प्रॉब्लम कर रहे थे ये। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट में आ रहा है लाइक यहाँ पे जो एक ये फिजिकल बुक ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फिजिकल बुक और प्राइवेट एट्रीब्यूट यहाँ पे दोबारा यूज हो रहा है और अवेलेबल बुक्स लाइक ये एट्रीब्यूट नहीं है। चेक कर लेते हैं अवेलेबल बुक्स के नेम से। लाइक यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है ओके, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास हमने यूज किया और उसके अंदर हमने बनाया एक अवेलेबल बुक्स के नेम से एट्रीब्यूट। फिर इसमें से कौन सा यूज़ करना होता है, लाइक इक्वल के राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? नहीं सर, हम यही वैल्यू है ना कि हम कह रहे हैं कि जो हमारा ये एट्रीब्यूट है उसके इक्वल स्टोर कर दे ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास की होगी। सर वो जो लेफ्ट साइड की है ना, जैसे मैंने बताया कि डबल अंडरस्कोर करके प्राइवेट मतलब शो होता है ना, कि अगर ये जो हमने सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर किया है तो इसका मतलब है ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। तो लेफ्ट वाला हम लोग डायरेक्ट जो यूज करेंगे वो लेफ्ट साइड वाला एट्रीब्यूट यूज कर रहे होते हैं, मतलब डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा जहां जहां भी हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, अभी तो यहाँ पे एरर नहीं शो हो रहा अब मेरा ख्याल है शायद रन करके दोबारा देख लें। अच्छा, अभी भी कोई इशू है, यही इशू है लाइक यहाँ पे तो हमारे पास सही है सेल्फ अवेलेबल बुक्स इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे हम अच्छा यहाँ पे साथ हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं उसे लाइक यहाँ पे हमें गेट सेट मेथड डिफाइन होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, तो इसे हम जरा ओके इसको एक सेकंड मैं सिर्फ देखता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास बाकी फंक्शंस रन कर रहे हैं अगर इसका इशू हो तो। सर इसको मैंने ना समझा कि शायद सिस्टम खुद ही समझ ले कि ये वो है गेटर है ये वाला, क्योंकि ऊपर तो मैंने बनाया था, फिर मैंने इसको डायरेक्ट करवा दिए थे एक्सेस। ये जो टोटल बुक्स है ना इसको वो जी ही जी ये अच्छा कर दिया था कि एक अगर। सेकंड मैम, इसे हम एक दफा सिंपल करके देखते हैं लाइक ये वैसे रन करके तब हमारे पास आता है कि नहीं आता। वहां पर भी अवेलेबल सेल्फ लोड अवेलेबल बुक्स, चलिए यहाँ पे नहीं था एक सेकंड ये ठीक था हमारे पास यहाँ पे आई थिंक इशू था अवेलेबल बुक्स। एक सेकंड अभी हमारे पास क्या इशू है, फिजिकल बुक ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट अवेलेबल। सर फिर भी वो जो आउटपुट दी है ना वो प्रिंट तो कर रहा है लेकिन साथ एरर्स भी हैं। जी, ये तीन तो हमारे पास प्रिंट हो रही है वैल्यू लाइक टाइटल और ऑथर नेम कर रहा है, उसके नेक्स्ट वैल्यू जो हमने निकाल रहा है
जी सर, वो जैसे ये फिजिकल क्लास की जो लोकेशन है उसको भी नहीं ले रहा था, यानी इस तरह के उसमें कुछ कर रहा है। स्पेलिंग का भी अगर जरा सा भी हो ना, अब यहाँ पे ए मिसिंग था, अभी मैंने दोबारा ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया भाई, भाई यहाँ पे नहीं है, वाकई ये उसकी वजह से बड़ा ही हो गया है इसका ना, कोई ये बात नहीं मैम। डिफरेंट। अच्छा यहाँ पे ना आई थिंक कि स्पेलिंग की वजह से भी हो रहा है, लाइक यहाँ पे भी हमने अब अवेलेबल स्पेलिंग के यहाँ पे मैंने चेंज किए, लेकिन यहाँ पे अब नीचे हमने यहाँ पे हमारे और हैं, लाइक यहाँ पे इस वजह से हमें यहाँ पे ना एरर दे रहा है मल्टीपल टाइम्स। ऐसे करते हैं हम इसे ना दोबारा रीराउट कर लेते हैं, कि हमारे पास स्पेलिंग की वजह से भी इशू आ रहा होना है, या जहाँ पे हम इसे चेंज कर लेते हैं जहाँ पे अवेलेबल बुक्स है, लाइक हमारे पास ये स्पेलिंग है अवेलेबल बुक्स, नहीं तो मैंने इसे राइट डाउन भी किया हुआ है, हम उसे भी रन करके देख लेंगे एक दफ़ा, इसे पहले चेंज करके देख लेंगे अगर हमारे पास ये रन हो जाए। सर्विस एक चीज़ कंफर्म थी करने कि जब उससे पहले हम अंडर स्कोर्स लगाते हैं 200 अंडर स्कोर्स, तो इसका मतलब वो प्राइवेट है अच्छा, और अगर एक लगाएं तो उससे अच्छा वो, ऐसे प्रोटेक्टेड क्लास हो जाती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द अच्छा टाइम हम इनकैप्सुलेशन के लिए प्राइवेट के लिए ना डबल अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, और अगर हमने सिंपल वैसे ही बनाना है वेरिएबल और एट्रीब्यूट, तो हम कोई भी इसके आगे अंडरस्कोर या कोई भी वैल्यू यूज नहीं करते, कुछ भी सिंपल प्रिंट जी, करवाते हैं। थैंक यू सर। जैसे एक दफा दोबारा रन करके देखते क्या है, अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, लाइक अब हमारे पास वैल्यूज तो सेम है, अच्छा इसको टॉप करके अगर कुछ हमने सेल्फ लोड इस मेथड की जगह, अच्छा इसको किया था अभी, इसकी जगह मैं एक दफा अभी हमारे पास इस वेरिएबल का इशू आ रहा है, लाइक हमारे पास वेरिएबल तो ओह एक सेकंड, आई थिंक सुपर में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, नीचे हमने डिफाइन कर दी इसके साथ, अब इसी के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं टोटल वैल्यू। यहाँ पे भी स्पेलिंग चेंज है, आई थिंक हमने इसे जो नीचे रीराइट किया उसी को चेक कर लें, यहाँ पे हमारे पास क्या इशू है। तो मैम इसका मैंने एक और कोड शेयर किया था वो इसी को, एक सेकंड को भी एक दफा रन करके देख लें। अच्छा यहाँ पे हमारे पास प्रिंट कर रहा है टोटल बुक्स भी, और इसमें देख लेते हैं एक सेकंड क्या है, अच्छा यहाँ पे भी ना ये वाला क्वेश्चन जो है ये वही ऊपर वाला ही कोड है, लेकिन ये हमारे पास करेक्ट रन कर रहा है, हम इसे एक जी दफा सर, देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेम ही कोड है, डिफरेंट ही है जी एक तो मेरी साइड पर।
लाइक ऊपर जहाँ पे हमने अभी किया था कि लाइक हमारे पास ये वैल्यूज हमारी क्या है, प्राइवेट है, और नेक्स्ट हमारे पास इसके मेथड्स हैं बोरो बुक, जो हमारे पास क्या करेगा अगर बुक बोरो की होगी, अगर तो अवेलेबल नहीं है लाइक नंबर ऑफ बोरो बुक्स ज़्यादा हैं अवेलेबल कॉपी से तो हमें बता देगा नॉट अवेलेबल। ओवरवाइज वो क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल कॉपीज हमने शो की होंगी उनमें से एक यहाँ माइनस कर देगा, और जो रिटर्न है उसमें हमारे पास क्या है डिटेल इन अनदर क्लास आई थिंक ये हमारे पास नीचे भी प्रिंट होगी। और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, ए टाइटल जो हमारी बुक का है, और ऑथर का नेम जो यहाँ से इसे जो यहाँ से कैट करेगा ये, और नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अवेलेबल कॉपीज हैं जो हमने यहाँ पे रिटर्न स्टोर की होंगी उसी को यहाँ पे रिटर्न करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इनहेरिटेंस है लाइक जो हमने कॉल करना है इन फंक्शंस को, तो उसके लिए हमारे पास ई बुक थी जो हम इनहेरिट कर रहे हैं हमारी ऊपर वाली बेस क्लास बुक से यहाँ से, और एक न्यू प्रॉपर्टी जो इसकी एट्रीब्यूट हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी लाइक फाइल साइज, ये हमने ऊपर वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ से ऊपर से कॉल की और नीचे हमारे पास है इसका फाइल साइज। अब नेक्स्ट बोरो बुक इसी फंक्शन को हम ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर हमारे पास जो बुक्स हैं जीरो हुई एक के इक्वल हुई तो हमारे पास नॉट अवेलेबल, अदरवाइज हमारे पास क्या है ई बुक हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल बुक के लिए क्लास है, तो लाइक ये हमारे पास इसमें भी जो एडिशन हमारे पास है वो लोकेशन एट्रीब्यूट का है और अवेलेबल बुक्स का, क्योंकि इसी में हमारे पास मैटर करता है फिजिकल बुक्स में कि हमारे पास बुक अवेलेबल है या नहीं है, तो उसमें हमने अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो हमने पेरेंट्स से कॉल की और नीचे इसके दो एट्रीब्यूट्स जो फिजिकल बुक क्लास के लिए हैं। अब जब टोटल रिटर्न कर रहे हैं तो इसका जो न्यू एट्रीब्यूट हमने बनाया अवेलेबल बुक्स ये उसे रिटर्न कर रहा है, और सेट टोटल बुक्स में भी जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी लाइक जो यहाँ पास करेगा उससे टोटल बुक्स तो उसके इक्वल कर देगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बोरो बुक का फंक्शन, तो अगर तो हमारी बोरो बुक्स जो हैं वो हमारी अवेलेबल बुक्स से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, जब हम डिफाइन करेंगे मेथड तो शो करेगा बुक इज नॉट अवेलेबल, लेकिन अगर बुक्स कम है जीरो से, अच्छा लाइक जीरो से कम तो क्या मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव हो नहीं सकती वैल्यू, सेवन और एक हम उसे यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं लाइक कि जो वैल्यू हो वो मस्ट इंटीजर ही होनी चाहिए, इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती, और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो फिर वो क्या करेगा लाइक बुक्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और कंडीशन भी इंटीजर में पास हुई है तो वो बुक बोरो बुक को क्या करेगा लाइक प्रिंट कर देगा बुक इशू है हो गई, और हमारे पास एक अवेलेबल बुक्स में से काम करके जो हमारे पास टोटल बुक्स रह जाएंगी वो रिटर्न कर देगा। अगर नेक्स्ट है डिफाइन रिटर्न बुक, अब इसको भी ओवरराइड कर रहे हैं हम, जैसे वो बुक रिटर्न करेगा लाइक बुक जब बोरो की थी तो अब एक माइनस हो गई थी हमारे पास, अब वो रिटर्न कर रहा है तो क्या होगा अवेलेबल बुक्स में एक बुक हमारे पास प्लस हो जाएगी, और देन टाइप ऑफ द बुक ये वही है जो सिंपल हमें प्रिंट करवाना है कि हम फिजिकल बुक्स यूज कर रहे हैं। डिस्प्ले मेथड, डिस्प्ले मेथड में बाकी प्रॉपर्टीज हमारी जो पेरेंट क्लास की हैं वही, और इसकी हम क्या है इसमें हमारे पास एक टोटल एट्रीब्यूट न्यू जो आया है वो टोटल बुक्स का होगा, क्योंकि यहाँ पे बुक्स चेंज हो रही हैं बोरो करने पे भी और रिटर्न करने पे भी लाइक नंबर इंक्रीज होगा रिटर्न करने पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक न्यू लाइन प्रिंट की प्रिंट कर दिए। अच्छा अब यहाँ पे हमने बुक का नेम, ऑथर नेम ये फिजिकल बुक है, उसकी लोकेशन नहीं ये हमारे पास क्या था एट्रीब्यूट कॉपीज अवेलेबल कॉपीज 20, और ये हमारे पास लोकेशन है और ये हमारे पास है लाइक अवेलेबल बुक्स। ओके तो इसमें हम जरा इस पे फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं जो भी हमने किए लाइक अब हम बोरो बुक का अप्लाई करें डॉट
डॉट अंडरस्कोर बुक डॉट बोरो बुक। तो बोरो बुक में हमारे पास एट्रीब्यूट है कि हमने पास किया यहाँ पे, यहाँ पे नंबर ही पास करेंगे। यस सर, ओवरराइडिंग हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में ही आता है कि हम नेम हमारे पास वही होता है ऑलमोस्ट, एट्रीब्यूट से अक्सर हम वही यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो फंक्शनैलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। ये सिर्फ फंक्शन का नेम सेम होता है और उसके अंदर जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं चीज़ें वो डिफरेंट हो जाती हैं पेरेंट्स से। अच्छा इसी तरह यहाँ पे प्रिंट नहीं करवाई दोबारा, अवेलेबल बुक्स डॉट बुक। सर एक बोरो से पहले देख ली और एक बाद में, तो वो पहले 10 है तो फिर वो 9 वाला बता देगा, डिस्प्ले कर देगा, फिर टोटल दोनों के बुक्स हम बाद यहाँ पे, ओके यहाँ पे टोटल बुक्स क्या, जी ठीक है ये ओके पहले मैम, वाला। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स अंडरस्कोर बुक डॉट टोटल्स, ए टोटल बुक्स जो हमें अवेलेबल बुक्स बता देगा। फिर यहाँ पे भी लेट्स चेक हमारे पास सही आता है कि, ओ एक सेकंड, जो यहाँ पे मैंने मेथड की ब्रैकेट्स भी नहीं यूज की, ये हमारे पास क्या है। अच्छा अभी मैं हमारे पास, अच्छा टोटल बुक्स बता दिए उसने हमें, टोटल बुक्स हमारी 9 है बोरो करने के बाद। ये यहाँ पे अभी टोटल बुक्स हमारी 9 है, सर लाइक क्योंकि यहाँ पे पहले एक, ना वो 10 डिस्प्ले हो रहा था ना, तो वो जब बोरो वाला हो गया सक्सेसफुली तो 9 आ रहा है, तो हाँ मैं कह रही थी ओवरराइट कि कर पहले जी जी मैम, जी सर वो बस वही मैं कह रही थी कि बिफोर जो है वो 10 थी ना आ रही थी जैसे डिस्प्ले पे, जब अभी एग्जैक्टली बोरो का वो किया था। और रिपीट वही कोड हुआ ना, तो उसने उसको ओवरराइड कर दिया और जो नीचे लेटेस्ट वैल्यू से उसे प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास लेटेस्ट वैल्यू जो 9 बुक्स रह जाएंगी वो प्रिंट हो रहा है। ओके ठीक है, फंक्शन ने सही कॉल करा है। अगर किसी को नहीं समझ लगी तो मैं बता दूं कि लाइक हमने यहाँ पे फंक्शन एक दफा कॉल किया है, तो इस टाइम हमारे पास वैल्यू 10 होनी थी, और जब हमने उसे दोबारा नीचे कॉल किया लाइक बोरो बुक में क्या हो रहा है कि बोरो बुक में यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू माइनस हो जानी टोटल बुक्स में से, तो वो माइनस होने के बाद जो अगेन हमने जब मेथड को कॉल किया तो उसने हमें सिर्फ अपडेट वैल्यू रिटर्न की है, लाइक टोटल बुक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है 9 रह जाएंगी, तो उसने उन्हें प्रिंट किया है। और अगर हम यहाँ पे अब रिटर्न बुक का फंक्शन कॉल करें लाइक, चल अब यहाँ पे हम फिजिक्स बुक डॉट रिटर्न बुक, और रिटर्न बुक भी हमारे पास 1 है, और इसके बाद हम इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करें, लेट्स चेक हमारे पास अपडेट होता है कि नहीं होता। ओके ये देखें लाइक अब हमने रिटर्न कर दी बुक एक, तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न बुक में क्या था कि जब हम बुक रिटर्न करेंगे तो वो क्या करेगा अवेलेबल बुक्स में एक प्लस कर देगा, और हमारी जो इस गेट टोटल बुक्स में वो क्या करेगा जो अवेलेबल बुक्स होंगी उनको रिप्रेजेंट वापस शो कर देगा। तो हमारे पास टोटल अवेलेबल बुक्स अब कितनी है 10, तो हमारे पास फंक्शन सही कॉल कर रहे हैं। ओके मैम थैंक यू सो सर मच। बस वही है कि एब्स्ट्रेक्शन जो है ना वो मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उससे कुछ हो रहा था प्रॉब्लम, यानी कि अब इसके बाद हो सकता है मैं ट्राई करूंगी एब्स्ट्रेक्शन के थ्रू अच्छा एब्स्ट्रेक्ट क्लास। मैं सबके बताता हूँ लाइक ना यहाँ पे मैंने इसी फंक्शन को ना मैं इसका आंसर मैं भी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने इसका कॉपी किया हुआ आई थिंक, मैंने राइट डाउन किया था। एक तो ये हमारे पास है ना ये फंक्शन इसी को, ये हमारे पास गेट और सेट मैथड से आई थिंक यूज हुआ होगा, ये देखिए ये वही है जो मैंने आपको अभी दिए करवा गेट और सेट मैथड से किया है अभी हमने, लाइक अभी यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल क्लास क्या है, ये अवेलेबल क्लास हमारे पास प्राइवेट ही है, इसको यूज करने के लिए हम ये गेट और सेट मेथड यूज कर रहे हैं, सेट टोटल बुक्स गेट टोटल बुक्स ये जो है ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट मेथड यूज कर रहा है।
इससे तो हो गया, अभी जो प्रॉपर्टी वाला है उससे भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अच्छा थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को अभी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई इशू हो, लाइक आप क्वेश्चन कोई सॉल्व करें ना कोई समझ आए, तो आप हमें पिंग कर सकते हैं, लाइक स्लैक चैनल पे आप कमेंट कर दें, अपना मेंशन कर दें, या आप डायरेक्ट लिंक्डइन पे मुझे इस रसद को किसी को भी अप्रोच कर लें। और इसके अलावा लिंक्डइन पे एक्टिव रहिएगा, अभी और भी कोर्सेज अनाउंस होंगे जिस तरह अभी इस वीक हो रहे हैं, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें और इंशाल्लाह इसे अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखें। थैंक यू मैम, आप मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा रेगुलर रही हैं इस पूरे कोर्स में, उसके बाद सर जुहेब और अब्दुल अजीज, आकाश सर, शाहजेब और मैम मुकरमा, आप सब माशाल्लाह रेगुलर रहे हैं सेशन में। थैंक यू सर, मैं अभी तक जितना अच्छा भी लर्न किया ये अच्छा लाइफ, ये जो आपके साथ अच्छा आपने समझाया, जितना भी टीच किया आपने, बहुत बेसिक से के स्टार्ट से, जैसे आप बिल्कुल ही एकदम होते हैं अननोन होते हैं, अगर पाइथन मुझे मतलब इसके सेंटेक्स और बाकी चीजों का आइडिया नहीं था, और मतलब आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ तक मतलब कुछ ना कुछ कह दें, या जितना भी है ये सिर्फ वो आपकी टीचिंग है जो मैं कर सकी हूँ प्रोग्राम भी इस तरह बना। थैंक यू सो मच मैम। ये हम भी सिर्फ ये प्रेजेंट इसलिए कर पा रहे हैं कि लाइक आप लोग क्वेश्चंस करते हैं और कई चीज़ें लिटरली हमें भी नहीं क्लियर होती, जो सिर्फ मेरा ख्याल है, जो आप लोग जब क्वेश्चंस करते हैं ना तो हमें भी आइडिया होता है कि नहीं यहाँ पे हम अभी लैग करते हैं और हमें ये चीज़ें भी देखनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। थैंक यू जी सर, एवरीवन। क्योंकि वो कहते हैं ना, इन जितना आप फैलाओ उतना आपका अपना इंक्रीज हो रहा होता है, तो ये चीज तो नो डाउट, यानी कि काफी, यानी कि लर्निंग तो बहुत अच्छी है आपकी, तो वैसे बेस तो होती है, लेकिन समटाइम कोई न्यू आइडियाज मिल जाते हैं स्टूडेंट से। थैंक यू सर। एग्जैक्टली मैम। अच्छा और किसी के कोई क्वेश्चन सेशन से रेलिवेंट? अच्छा आप लोग ना इससे रेलिवेंट अपनी कोर्स कंप्लीशन की एक लिंक्डइन पोस्ट अगर बना रहे हैं सर वो कीजिएगा लाइक, और उसके अलावा सेशन में फीडबैक अपना जरूर शेयर कीजिएगा। जी सर, थैंक यू मैम। अच्छा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लाइक रैंडम क्वेश्चन सेशन के अलावा भी है तो हम अभी सेशन कंटिन्यू कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम अपना सेशन कंप्लीट करते हैं। सर थोड़ा गाइड कर दे किस टाइप की हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये कोर्स का पूरा इसमें बेसिक पाइथन भी था और ऊप का कॉन्सेप्ट भी था, तो जस्ट रफली अगर आइडिया दे दे कि हमने लर्न किया ये चीज। जी मैम बस आप उसमें बता दें कि लाइक मतलब आप स्लैक चैनल में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, या उसके अलावा जब पोस्ट करें तो उसमें आप मुझे सर को मेंशन कर दें और बता दें कि आपने लाइक ये हमारा 6 वीक का कोर्स था जो आपने कंप्लीट किया, सबने हम सबने मिलके किया, और जो हमने टॉपिक्स लर्न किए हैं लाइक बेसिक से हमने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक कम्प्लीट किया है, लाइक इससे रेलेवेंट मुझे बता दें। और आपने अगर कोई न्यू चीज़ लर्न किया है या जो आप इम्प्रूवमेंट हुई है, या आप अपने साथ स्क्रीनशॉट को शेयर कर लेना लाइक जो प्रोग्रामिंग करते हुए कोडिंग का, बस काफी होगा। और इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है फर्दर तो मोस्ट वेलकम, या सजेशन है कि हम नेक्स्ट सेशन जब पढ़ाएं कभी तो उसमें क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं सजेशंस। जी नहीं सर, सर ऐसा तो कोई नहीं है, मैंने आप दो सेशन लिए हैं, एक ये वाला और एक 11 PM जिसमें सर हकीम भी थे, उसमें तो हमने जी सर, बेसिक कवर किया था, लेकिन यहाँ हमने ऊप किया तो माशाल्लाह दोनों में मज़ा आया है। और